यूजीसी नेट दिसंबर 2014 क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन फॉर कॉमनली यूजिंग द टू लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या बात की है, टू लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग की बात की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम मल्टी लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, टू लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास मेमोरी वो क्या हो, स्मॉल मेमोरी क्या हो, स्मॉल। ओके, जब हमारे पास कम मेमोरी होगी तब उसका यूज करते हैं। और दूसरा है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है और उसके अंदर से हम चॉइस करके उन प्रोसेस को रेडी क्यू के अंदर ले जा सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं और उसके अंदर से हम चॉइस करके उन प्रोसेस को कहाँ ले जा सके, रेडी क्यू के अंदर। तो ऑप्शन देखिए, इट इज यूज व्हेन मेमोरी इज टू स्मॉल टू होल्ड ऑल द रेडी प्रोसेस। जब मेमोरी कम होगी तब उसका यूज करते हैं। यस, ए वाला क्या है, ट्रू है, बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे टू लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग यूज किए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग शेड्यूलिंग यूज करते हैं। मान लिया यहाँ पे मैंने यूज किया है FC, मान लिया आप यूज किया SJF यूज किया, फिर उसके ऊपर मैंने किया राउंड रोबिन यूज किया। ओके, तो कोई प्रोसेस यहाँ से आया, उसको मैंने राउंड रोबिन के अकॉर्डिंग टाइम क्वांटम एलोकेट किया 2। ओके, तो एक बार सभी प्रोसेस का नंबर आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन प्रोसेस को नेक्स्ट जो क्यू है उसके अंदर डाल देते हैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो फिर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो जरूर नहीं है कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह ही एक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स पुटिंग सम सेट ऑफ प्रोसेसेस इनटू मेमोरी एंड अ चॉइस इज मेड फ्रॉम दैट। यस, ये क्या करता है, हमें चॉइस देता है उन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की। ये हो गया हमारा ट्रू, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ टू एडजस्ट द सेट ऑफ इन कोर प्रोसेसेस। नहीं, ये हो गया फॉल्स। ये क्या दे रखा है ये पता नहीं, ये फोर्थ वाला है हमारा गलत है। तो इसका हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा।